मुंबई में उत्तर भारतीयों के विरोध को लेकर आमतौर पर चर्चा में रहने वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक बार फिर सुर्खियों में है। हालांकि इस बार विरोध उत्तर भारतीयों का नहीं फिल्मों को सिनेमाघरों में दिखाने को लेकर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने मुंबई के सिनेमाघर के मालिकों को धमकी भरा लेटर भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर मराठी फिल्म देवा को प्राइम टाइम में नहीं दिखाया गया तो वह सलमान खान की आने वाली फिल्म टाइगर जिंदा है वो किसी भी थिएटर में रिलीज नहीं होने देंगे। राज ठाकरे के मुताबिक सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है की वजह से देवा को सिनेमाघरों में जगह नहीं मिल रही है। ऐसे में अगर महाराष्ट्र में ही मराठी फिल्मों को जगह नहीं दी जाएगी तो हम यहां पर कोई भी हिंदी फिल्म नहीं चलने देंगे। आपको बता दें कि मराठी फिल्म देवा इसी 22 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है और उसी दिन सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म टाइगर जिंदा है को भी रिलीज होना है। ठाकरे की धमकी के बाद सिनेमाघरों के मालिकों को इस तरह भी नुकसान हो सकता है कि टाइगर जिंदा है की रिलीज से पहले ही बहुत से लोगों ने फिल्म के एडवांस टिकट बुक कर लिए हैं।